And right now, let's go straight across to Uttar Pradesh. I think we are being joined by Mr. Akhilesh Katyar of the Samajwadi Party. Akhilesh Katyar Saab, Namaskar. Akhilesh Katyar Saab, Namaskar. Rahul Saab, Namaskar. Pradeep Saab, Namaskar. कैसे हैं आप? सर आपकी आप बस आपके दीदार हो गए, बहुत अच्छे हो गए, फर्स्ट क्लास हो गया बिल्कुल। कहाँ है सर अभी, किस जगह? थैंक यू सो मच। कहाँ से ज्वाइन किए सर अभी? इस समय मैंने आपको ज्वाइन किया है संत कबीर नगर जिले से। क्या बात है सर, वंडरफुल। ये कबीर की धरती है जी, और यहाँ से मगहर बहुत नजदीक है, जहाँ पे कबीर साहब ने अपना शरीर त्यागा था। क्या बात है सर, वंडरफुल वंडरफुल। तो अब मैं जो मोदी जी ने संत कबीर जी और बाबा गोरखनाथ और गुरु नानक के बारे में कहा, वो मैं आपके आपके सामने रिपीट नहीं करूंगा। तो वो क्यों उन्होंने कहा, कैसे कहा, उनको किसने ब्रीफ किया पता नहीं मुझे। लेकिन सर ये बताइए कि आखिरकार अमित शाह साहब को हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं रघुराज प्रताप सिंह जी यानी राजा भैया, उधर जौनपुर में धनंजय सिंह जी, इधर अभय सिंह जी, इन सब लोगों से मिलने की जरूरत क्या पड़ गई? अभी क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या हो, क्या इमरजेंसी हो गई कि बड़े बड़े ठाकुरों से मिल रहे हैं अभी? नहीं, अब जो लास्ट में तबीयत जब बाकी दिया बुझने वाला होता है ना, इजाजत लिए अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो ये आखिरी हफ्ते बंगाची वगैरह नोटिस पढ़ू ना का राजीव साहब, राजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया है। आज वो तो शायद आज अमेठी में भी खाली हाथों ने काम मांगा, राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जिलबिया खाने को उछलने लगा। चाहे करनी सेना के लोग, बस्ती में आग लग गई, चाहे इस देश का राजा ने आग लगे गोल चक्कर से, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, प्रजा ने मुद्रा स्थिति चिकित्सा के लिए अवमूल्यन वगैरह, आपने चारों तरफ जो हाहाकार स्थिति पर ध्यान देने को कहा, अब एक ही आवाज गुफा में ध्यान की मुद्रा में बैठने लगा। मैं जे जे प्रश्न प्रयास अपन उपस्थित चाहे आपको बताता हूँ, अब ये सब बातें लोगों को बेईमानी लगती है, गणपत गाय लोगों को सब लगते है कि ये सब इनकी किसी बात पे भरोसा नहीं। पुलिस स्टेशन में गोलीबार खेला, तो आप अगर ये कुछ सच भी बोलेंगे विचार लेता नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि जनता उसको भी भरोसा करेगी, क्योंकि गुंडा राज शुरू है, जनता को जिस तरीके से आपने निकाल लीजिए और रोजगार ले लीजिए, पकौड़े तल लीजिए, मतलब ये बातें वही आदमी कर सकता है जिसे क्लियर हो कि जनता का कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं, लेकिन ये बताइए मिंदे की इंक्वायरी क्यों नहीं करते कटियार साहब के? भारतीय जनता पार्टी के जितने तो होता है वो तो कहते हैं कि हम 80 में से 78 सीट जीत रहे हैं, कि भ्रष्टाचार करा जोड़ा खाई चाहते उड़ा खा, नहीं वो तो 400 पार कर रहे हैं ना राजीव साहब, कुछ भी नहीं होगा, 400 पार तो लोकसभा में होगा, मेरी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी, 400 पार और उत्तर प्रदेश में यह सब गारंटी करंट की गारंटी, या तो बस जाली आज पर ये तो 4 तारीख को राजीव साहब क्लियर होगा कि कितनी चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं तो पिछले एक महीने से गांव में लोगों के बीच में जाके ही बात कर रहा हूँ, दिन भर लगा तर महाराष्ट्र सुद्धा कोई दलित समाज का व्यक्ति हो, पण जर कोणी पाठित वार केला तर महाराष्ट्र इन्होंने ठगा नहीं हो, आणि म्हणून एक कानपूर के रहने वाले ये लड़ाई वो एक लड्डू की दुकान पे गए, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, तुमची है जी, ये भी ठगवाला पाहिजे, लेकिन इन्होंने तो जनता को किसान को हो मजदूर को तुम्हाला स्वतंत्र पाहिजे का गुलामी पाहिजे, और दो आदमियों के पास इकट्ठा कर दिया गुजरात पाहिजे बोलने का अधिकार पाहिजे भाई, आज तुमचे तुम्ही वाला पाहिजे 70-72 करोड़ जनता के लाचार वाला पाहिजे, जितने तुमचा तुम्हाला ठरवाय जितनी पूंजी है उतने 10 परिवारों के पास इकट्ठी होगी, ज्या तळमळेने मी तुमच्याशी बोलतोय संविधान बचाने की बात करते हो कटियार साहब,
कोरोना वायरस पासून अखिलेश यादव जी केजरीवाल जी दोनों साथ में थे देशाला वाचवण्यासाठी मोदी जी कह रहे की संविधान खतरे कांग्रेस के रूल में था राइट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू से लेकर नेहरू जी ने प्रेस फ्रीडम पर काबू पाने लाने की कोशिश की। इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लेके आए, राजीव गांधी ने प्रेस फ्रीडम को फिर कब करने के कानून लेके, राहुल गांधी जी ने खुद पार्लियामेंट के अंदर जो बिल फाड़ के लोकतंत्र में खात्मा का उदाहरण दे दिया। तो बार बार अखिलेश जी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को खतरा अखिलेश जी के साथ राहुल गांधी जी कांग्रेस से सबसे ज्यादा खतरा था। उदाहरण देते हुए नेहरू से लेके राहुल गांधी तक मोदी जी नहीं तो तो जय हिंद जय महाराष्ट्र। 10 साल से आपका शासन है सूरत में जो आपने दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया क्या इस देश ने देखा नहीं? क्या संबित पात्रा साहब ने अपने खिलाफ जो काम इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी था उसका पर्चा आपने किस तरीके से मैनेज करके और निपटाया, क्या देश ने देखा नहीं साहब? आप अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके लोगों को डरा के आप चाहते हैं कि हम लोकतंत्र का गला घोट देंगे और हमने अभी तीन किए हैं, अगले साल हम अगले चुनाव में 300 करेंगे और जनता देखती रहेगी, जनता मूर्ख है। मुझे लगता है ये समझना समझदारी की बात नहीं है। कटिया साहब आगे जाके मोदी जी बिकॉज यूपी में मुस्लिम वोट से बहुत अहम हिस्सा निभाने वाले हैं, मोदी जी ने कहा कि मैं कभी मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कभी इस्लाम के खिलाफ कभी नहीं हूँ। आप उन मुस्लिम बहनों से पूछिए जिनको ट्रिपल तलाक का फायदा हुआ जो हमने अबॉलिश कर दिया, वो मुस्लिम बहनों से पूछिए जिनको घर मिला है और जो आवास योजना के बारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, इंजेक्शन जो वैक्सीन दिए हैं वहां का डिस्क्रिमिनेशन। अगर मेरे सिंसियरिटी को आपको पूछना है तो मुस्लिम बहनों से पूछिए जिनको सबसे ज्यादा लाभ हुआ है और मानते हैं वो कि मोदी जी का सिंसियरिटी इतना है कि कोई भेदभाव नहीं हुआ। माताओं बुजुर्गों बच्चों सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जो हम ये मानते हैं कि राजनीति में लोगों ने अपने स्तर को बहुत नीचे लाके खड़ा कर दिया है, आप दिन भर में दोस्तों आप जजिया टैक्स लगा देंगे, आप लोगों के बीच में आके भाषण करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, सीधे जेल से आ रहा हूँ। हिंदू मुसलमान बट जाए, मुसलमानों के खिलाफ बोले तो शायद हिंदू समाज हमें इकट्ठे एक साथ हमारे साथ खड़ा हो जाए। जेल का जवाब इस तरीके की उम्मीद में जेल का जवाब की बात करते हो, जो दलित दिल्ली से आए खिलाफ आप नीच झोली फैला के आपसे अछूत कहने की जो बात करते हैं, इन मेरे सब भारत बातों को बचा से पूरा देश परिचित हो चुका है। आपके हर तरीके के का जो व्यवहार है, जो सोच है और उससे जो हमारे देश को प्रधानमंत्री जी तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं, पीड़ा में जीवन गुजरा है इस देश हमारे देश को बाबा साहब अंबेडकर ने। मुझे नहीं लगता कि अभी झूठी बातें भी मुसलमान समाज को, पिछड़ों को, दलितों को, किसानों को, नौजवानों को कोई उम्मीद पैदा कर पाएंगे, मुझे तो कहीं से भी संभावना नहीं लगती। तो जनता के मुताबिक काम किए, अब धीरे 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 प्रवीण कुमार निषाद साहब दोबारा खड़े हो, प्रधानमंत्री जी शासन ये जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं, यही से प्रवीण जी लड़ रहे हैं। मेरा उदाहरण और आपके लक्ष्मीकांत निषाद साहब, हमें 2015 में दिल्ली में 70 सीट है जी, और मोहम्मद आलम साहब हैं, मोहम्मद आलम साहब हैं भारतीय जनता पार्टी में से 67 सीट 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी। गिरफ्तार कर लिया
अगर हरा नहीं सकते तो गिरफ्तार कर लो। धरती है जी। और यहाँ पे कबीर का ही विचार दीजिएगा, यहाँ नफरत देंगे तो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। एक बार दुखद बात ये है, दुखद बात ये कि कोई अंसारी नहीं खड़ा हो रहा। मैंने इस्तीफा नहीं दिया, सरकार जेल से चलाएंगे। अगर मोदी जी जनतंत्र को जेल में कैद करेंगे तो हम जनतंत्र को जेल से चला के कबीर के विचार को हम लोगों ने मजबूत किया है। राजू साहब जी, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, चमत्कार के खिलाफ, दो राज्यों में, तो उन जो अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार के खिलाफ जो हम लोग संविधान की वैज्ञानिक सोच को जमीन पर उतारने वाले जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी है, उनको संविधान के विचार को मजबूत कर रहे, कबीर के विचार को मजबूत। अखिलेश यादव जी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान पर सबसे पहला संविधान, रोटी कपड़ा और मकान। और आपका पीडीएफ फॉर्मूला जबरदस्त है, अखिलेश यादव जी का कहना है दिलों तक, सबके दिलों तक पहुंचे। रोटी कपड़ा और मकान 80 करोड़ जनता को मोदी जी नहीं चाहते कि गरीब बच्चों के लिए अच्छे पीएम किसान जो सम्मान रोकना चाहते हैं, आवास योजना 4 करोड़ लोगों को, आयुष्मान करीबन 11 करोड़ लोगों को, मैंने मान लो 500 स्कूल बनाए, 12.5 करोड़ लोगों को मोदी जी, हर घर नल से जल करीबन 11 करोड़, 5000 स्कूल बनाते हो तो इतने बड़े आदमी हो, आपका पीडीए है, आप 5000 स्कूल बनाते तब आपका बड़प्पन था, आपने केजरीवाल को गिरफ्तार, 5 साल आगे भी दे रहे हैं और 5 करोड़ घर बनाने वाले हैं और शौचालय, मुझे गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि दिल्ली में मैंने इतने सारे मोहल्ला, तो ये कैसे कंपटीशन होगा? अस्पताल बनाए शानदार, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, दवाइयां, टेस्ट सब कुछ मुफ्त कर दिया, 2.5 करोड़ दिल्ली के लोगों के लिए। रोजगार दोगे तो खाना अपने आप कमा लेगा मोदी जी, ये काम रोकना चाहते हैं, उन्हें सम्मान चाहिए। विडंबना देखिए, जो किसान है, जो दिल्ली के को लोगों के लिए मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी को बढ़ा लेते हैं, लेकिन और जो गांव में आप राशन बांटने की बात करते हो, 15 दिन तक मेरी दवाई बंद करके खड़ा कर दिया है तिहाड़ जेल। प्रदीप साहब, हम लोगों को रोजगार देते हैं, उन्हें मुफ्त, मैं शुगर का मरीज हूँ, चिकित्सा देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो घर मकान बनाने की जरूरत है। इंजेक्शन ले रहे देश का किसान इतना मेहनती है, कुछ कर लेगा, उसके अधिकारों को, उसके हक को छीनो मत बता। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया मोदी जी ने मेरे इंजेक्शन बंद करा दिए, 15 दिन तक मेरी 300 पहुंच गई शुगर, 350 पहुंच गई शुगर, मैं बोलता रहा वहां पे अफसरों को, कर्मचारियों को, मुझे इंसुलिन चाहिए, उन्होंने नहीं दी, बोले ऊपर से आदेश है। और जब रोटी और रोजगार का मामला हो जाता है, किसान अगर किसी आदमी को कई दिनों तक शुगर हाई रहे तो उसकी किडनी खराब हो जाती है, उसका लिवर खराब हो जाता है, अच्छी शिक्षा मिल जाए, मुझे नहीं पता ये क्या करना चाहते थे मेरे साथ। लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जब विरोधियों को और विपक्षी पार्टी के लोगों को जेल में डाल के उनके शरीर को खराब कर दिया गया। मुझे गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल स्पीकिंग राइट नाउ, अरविंद केजरीवाल साहब बोल रहे हैं, जरा कैन वी हैव अरविंद केजरीवाल देयर प्लीज इंस्टेड ऑफ मिस्टर अखिलेश यादव, ओल्ड फुटेज जो अरविंद केजरीवाल जी की अभी की फुटेज है जरा लगा देंगे प्लीज, कोई बात नहीं, आप जरा कैन यू प्लीज पुट ऑन मिस्टर केजरीवाल फुटेज, आई बी ग्रेटफुल, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, दिस इज रियली एंड ट्रूली स्ट्रेंज। प्रदीप जी, अरविंद केजरीवाल स्पीकिंग एट द मोमेंट ऑफ डीकेसी, यस यस, एंड ये आपके हाथ में है। द फैक्ट इज, अगर आपने स्पीकिंग राइट नाउ एंड लुक एट क्राउड्स, इंडिया गठबंधन को जिता दिया, अगर आपने इंडिया गठबंधन की सरकार बना दी तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं कमल दबा देना, और जो जो मुझे आजाद देखना चाहते हैं इंडिया गठबंधन को जिता देना। जब आप बटन दबाने जाओ तो इस बार बटन केजरीवाल को जेल भेजने या केजरीवाल को आजाद करने के लिए नहीं रोका मोदी जी को, तो बात इज ओवर, खत्म है, ही इज द की फैक्टर। यस यस, रशिया का नाम सुना है? ये तो अभी भी हंस रहे हैं सर, रशिया, पुतिन, अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पे तो स्पाइन। पुतिन ने क्या किया, जितने विपक्षी नेता थे उनको सबको कैद करके जेल में डाल दिया या मरवा दिया,
I don't think that's और फिर चुनाव करवाएं। That does not seem to have affected him. 87% वोट मिल गए, 87% जब विपक्षी नहीं होगा, लड़ने वाले नहीं होंगे, सारे वोट आप ही को मिलेंगे। अखिलेश कटियार साहब, बांग्लादेश में भी अभी ऐसा हुआ, उसने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और शेख हसीना जीत गई। जैसे अमेठी में, पाकिस्तान में भी यही हुआ, इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। ऊपर नीचे हो रही है, मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना। वहां पर क्या जौनपुर में जीत जाएंगे कृपा शंकर सिंह? मैं जौनपुर के बारे में बहुत डिटेल में, क्योंकि मैं जिस एरिया में हूँ जी, तो उसके बारे में मैंने बहुत फीडबैक नहीं लिया है राजीव साहब, तो मैं बहुत सटीक जानकारी नहीं दे पाऊंगा आपको। लेकिन ओवरऑल जो प्रदेश भर में जो स्थिति है, वहां पे बीजेपी के खिलाफ आम जनमानस है राजीव साहब जी, तो हो सकता है जौनपुर की स्थिति कैसी है मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बीएसपी ने चेंज कर दिया ना कैंडिडेट अपना। पहले वो धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया था, फिर वो टिकट वापस ले लिया, किसी और खड़ा कर दिया वगैरह वगैरह, ये सब हुआ है वहां पे जी। बहन जी ने कुछ किया है वहां पे, खेल तो वहां पे। हाँ, मुझे इस बारे में मेरी बहुत समझ नहीं है, क्योंकि हालांकि ज्यादा दूर नहीं हम लोग जौनपुर से, लेकिन हम लोग दिन भर क्योंकि फील्ड में रह जाते हैं तो कई बार अपडेट नहीं ले पाते, इसलिए जौनपुर की सीट के बारे में मेरी विशेष जानकारी नहीं जी। अच्छा ये बताएं सर, सॉरी सर, सॉरी प्रदीप जी, आपने क्योंकि किसानों की बात करी थी कि भाई किसान जो है वो भी बड़े त्रस्त थे, और अभी अभी एक एक बैग जो है वो यूरिया का जो एक एक बैग है, और जो फर्टिलाइजर का बाकी जो एक एक बैग है, उसकी जो कीमत है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आपकी सरकार मतलब अगर आ जाती है, मान लीजिए इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है, तो क्या आप जो राहत आप लोगों ने जो आपने वादा किया किसान से कि आप राहत देंगे, क्या आप दे पाएंगे? क्योंकि अभी जो है इन्होंने कीमतें इतनी बढ़ा दी, हालत खराब हो गई है। मैं हर चीज पे जीएसटी लगा दी है, पावर की प्राइस बढ़ गई है, पानी की प्राइस बढ़ गई है। जी जी बताएं राजीव साहब, दो तीन बातें हमें समझनी है। बात यहां कीमत से ज्यादा नियत की है। मैं आपके साथ पहले भी एक बार मैंने हल्का सा जिक्र किया था, हम उत्तर प्रदेश में है, 1967 में चौधरी चरण सिंह साहब की सरकार थी जी, और 1967 में वित्त मंत्री रामस्वरूप वर्मा थे। हम उत्तर प्रदेश में किसान ये मानते रहे हैं कि 1967 को आधार वर्ष मान के कृषि उत्पाद और मिल उत्पाद में समान पात कायम कर दिया गया। 1967 में 210 रुपया तोला सोना बिकता था और 85 रुपए कुंटल गेहूं था। हम 2.5 कुंटल गेहूं बेचते थे, तोला सोना ले लेते थे। लोहे की कीमत और गेहूं की कीमत बराबर थी। एक कुंटल हम गेहूं बेचते थे, 16 बोरी सी सरिया आता था। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो किसानों की संपन्नता थी, उसका कारण यह है ताकि उस समय उन्हें मूल वाजिब मिलता था। इस देश की सरकार ने किसानों की मेहनत को लूटा है, मिल उत्पाद आसमान पहुंचा दिए और कृषि उत्पाद महंगाई के नाम पे नीचे रख दिए, इसलिए किसान लाखों की तादाद में आत्महत्या करता है। हम इस देश के किसानों को उसकी वाजिब कीमत देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि पूंजीपतियों के जो लाखों करोड़ रुपए माफ किए जाते हैं वो माफ होने बंद हो जाए। कटियार साहब, एक गौ माता बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है। हाल ही में प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में थे, तो उन्होंने कहा कि गौ माता के आप बात करते हो, गौ माता के बार बार आप इलेक्शन का कैंपेन करते हो, मगर वहां गौ माता का यह हाल है कि न चारा है, न पानी है, न ऊपर छप्पर है, और बहुत सारे गाय ऐसे ही मर रहे हैं। तो क्या योगी सरकार हैज योगी सरकार फेल्ड? वह गौ माता वाला इश्यू है जो गौ माता को इतने इंपॉर्टेंट स्थान दिया था हर चीज में, तो क्या हाल है गौ माता का वहां पर? प्रियंका गांधी जो बोले, प्रदीप साहब एक डेटा भारत सरकार का था कि बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर वन है, ये भारत सरकार का ही डेटा है। दूसरी बात, जो आवारा जानवर हैं वो किसानों का नुकसान तो करते ही करते हैं, और जो जानवर कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गए, कहीं टकरा गए, कहीं कुछ हो गया, तो वहां पे भी बहुत बुरी स्थिति में है। जितने भी आपने गौशाला बनाए हैं वहां पे 28 रुपए पर डे एक गाय के लिए आप पैसे देते हैं, उसमें संभव नहीं है एक जानवर का पालन पोषण होना। फिर जो गौशाला वाले जो लोग हैं वो उसमें पैसे कटौती भी कर लेते हैं अपनी आमदनी के लिए।
तो ये जो नाटक है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे निश्चित तौर पे गौ वंश का बहुत अपमान हुआ है। ये पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश झेल रहा है। मैं मोदी जी का कहना है, कोई मैकलाल पैदा नहीं हुआ जो CAA को हटा सकता है। एकदम मोदी जी एकदम सख्त लैंग्वेज में, और CAA शायद इशू भी किए, 14 फैमिलीज को रिफ्यूजीज जो थे उनको सर्टिफिकेट इशू करके उनको नागरिकता दिया है। तो आगे जाके मोदी जी कह रहे कि तुष्टिकरण का राजनीति था जो इस देश को बर्बाद कर दिया है। हमारा स्पष्ट नीति है, कोई तुष्टिकरण नहीं होगा, देश हित में कानून होगा तो CAA भी होगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होगा, अमित शाह जी का कहना है। तो दोनों में जितने इंडिया अलायंस के घटक दल है, कहीं ना कहीं CAA हो, UAPA हो, NRC हो, आपने थोड़ा प्रश्न लगाया है उसमें, बोले कि इससे संशोधन की जरूरत है। कटियार साहब कैसे देखते हो, मोदी जी ने कहा नो रोल बैक, किसी भी हालत में नहीं हुआ। कटियार साहब सुनिए प्रदीप जी। हाँ जी जी, मैं सुन रहा हूं। मैं आपको जब इस पे रिप्लाई करना चाहता हूं। हाँ, जो बीजेपी है इसे ऐसे मुद्दे उठाने हैं जिनसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, क्योंकि अगर असली मुद्दों पे बात नहीं किया, बेरोजगारी मिट पाई नहीं मिट पाई, सीमाएं सुरक्षित है नहीं है, तो उन मुद्दों के हटाने के लिए इन्हें समाज में एक फर्जी विमर्श, जो गैर जरूरी विमर्श है, जो भावनाओं को भड़काने वाला विमर्श है, वो खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जरूरत है। उसके बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपने कहना है ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, CAA, NRC, UAPA, इनका कोई जनरल इलेक्शंस में कोई ज्यादा महत्व नहीं है। कटियार साहब, मोदी जी और अमित शाह जी का कहना, मोदी जी और अमित शाह जी का कहना है मुद्दे ये अहम है, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद के लिए। जो भी ये मानता हो कि रोजी रोटी से ज्यादा ये महत्वपूर्ण मुद्दे है, ये कोई नहीं मानता। शिक्षा से ये मुद्दे महत्वपूर्ण है, ये कोई नहीं मानता। आम घर में रोजगार मिले एक नौजवान को, उससे क्या ये अहम है, कोई नौजवान नहीं मानता। हाँ, ये अमित शाह के लिए अहम है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अहम है, उनके दल को जीतने के लिए इस तरीके के विवादित मुद्दे खड़े करके समाज को दो हिस्से में बांटने के लिए ये मुद्दे अहम है, लेकिन जनता के लिए ये मुद्दे अहम नहीं है प्रदीप जी। लेकिन जनता के लिए मुद्दा अहम है बेरोजगारी का, जनता के लिए मुद्दा अहम है किसान का, जनता के लिए मुद्दा अहम है स्वास्थ्य का, जो दवाइयों से नौजवान, जो वैक्सीन से जो लोग मर रहे हैं, जो आपने जहर आम आदमी के शरीर में लगा दिया है जल्दबाजी में, एक उससे क्या नाम है वसूली करने के लिए, फिरौती के लिए, तो वो नहीं हो सकता प्रदीप साहब। लेकिन अखिलेश कटियार जी, भारतीय जनता पार्टी और काफी विश्लेषकों का ये मानना है कि जो लाभार्थी बनाए हैं मोदी जी ने 53 करोड़ के करीब, और उसके अलावा जो 80 करोड़ पर लोगों को मुफ्त में जो खाना दिया जा रहा है, और नंबर 3 जो राम मंदिर बना है, ये काफी होगा 70-75 सीटें जीतने के लिए उत्तर प्रदेश से। और अगर मान लीजिए वो अपनी पुरानी परफॉर्मेंस यानी 64 सीटें भी जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए। कटियार साहब, प्रदीप साहब, इनको जो लगता है कि किसी के इस प्रदेश के लोगों का कोई स्वाभिमान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई दीन ईमान नहीं है, ऐसा जो इनका मानना है ये बिल्कुल नासमझी भरा है। आप कहते हैं कि हमने मुफ्त राशन दे दिया है, उसके बदले में आपने उनसे रोजगार छीन लिया है, आपने उनका स्वाभिमान छीना है, आपने सम्मान छीना है, आपने तरक्की का मार्ग छीना है हमसे जो हम लोग राष्ट्र निर्माण में जो ये लोग भूमिका अदा कर सकते थे, आपने इस रास्ते को हटा के इस पूरे देश की कमाई अडानी अंबानी के घर पहुंचा के उनके एक कार्यकर्ता की तरह जो काम किया है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इनका मूल्यांकन गलत है, उत्तर प्रदेश जवाब देगा इसका। राजू सर,
कटियार साहब, जो एजेंडा क्लियर है, बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, गिरिराज सिंह जी आसाम का चीफ मिनिस्टर क्लियर कट ऐलान किया है कि 300 पार आपने कर दिया, हमने राम मंदिर बना दिया, 300 पार में राम मंदिर बना दिया, 400 पार हमें दीजिए, काशी मथुरा जो अधूरा रह गया है वो क्लियर कट हो जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे नारे से जो 80 सीट जो बोले कि 100% यूपी वो हासिल होगा, लोग मानेंगे कि 300 पार में राम मंदिर दिया, 400 पार में काशी मथुरा जो अधूरा है वो पूरा हो जाएगा? ये प्रदीप साहब देवा स्वप्न है जो दिन में देख रहे हैं, 4 तारीख को टूट जाएगा ये, और काशी और मथुरा, काशी के लोग और मथुरा के लोग रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, अपने फसलों की सही कीमत चाहते हैं, अपना स्वाभिमान और सम्मान चाहते हैं। अभी एक घटना थी राजीव साहब आपके साथ साझा करूं, कन्नौज के अंदर गौरी शंकर मंदिर में जी माननीय अखिलेश यादव जी पूजा करने गए थे जी, और जब वहां से निकल के गए तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जाके उस मंदिर को गंगा जल से धुल रहे थे, कह रहे थे कि मंदिर छूत हो गया, अखिलेश यादव शूद्र है, अखिलेश यादव नीच है, अछूत है। तो जो ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आप बताना चाहते हैं कि ये पिछड़े हैं इसलिए नीच है, शूद्र है, अछूत है, तो ये जो 80-85% जो आवाम है उत्तर प्रदेश की, जो दलितों की है, पिछड़ों की है, क्या इन्हें चंद पैसे देके ये खरीदने का जो मंसूबा रखते हैं, ये मंसूबा जो है दलित पिछड़ों का अपमान है जो पूरा होने वाला नहीं है राजीव साहब? ये तो बड़ी मतलब मेरी समझ में इससे ज्यादा वाहियात खबर तो कोई हो ही नहीं सकती कि गौरी शंकर मंदिर अपवित्र हो गया अखिलेश यादव जी के जाने से। मतलब मेरे लिए तो बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़ी शॉकिंग बात है ये तो। और फिर गंगा जल से पूरा मंदिर धुल रहे हैं उसको। शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग एंड डिसगस्टिंग इन दिस डे एंड एज। गौरी शंकर मंदिर, मालूम है उनको किसके बारे में बात कर रहे हैं? गौरी शंकर के बारे में, माँ गौरी और भगवान शंकर के बारे में, भगवान के बारे में जी। अरे भैया, वो कहते हैं ना जिस दिन शंकर जाग गए तो फिर क्या होगा, जरा सोच लीजिए, सोचना चाहिए सबको, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मजा आता है आपसे बात करके, आते रहा करें आप, बहुत बहुत। और संत कबीर नगर में आप इसी तरह मेहनत करते रहें, रिजल्ट के बाद मिलेंगे या उसके पहले भी अगर आप आते रहें तो जरूर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच सर, कटियार साहब नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट राजीव साहब, गुड नाइट प्रदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो मिस्टर has Kejriwal finished or is Mr. Kejriwal still speaking? Oh, he's finished. All right. Okay. Maybe we'll play it tomorrow, whatever he said. Whatever he said tomorrow, we play. Mr. Sharad Pawar is speaking right now, but we'll leave that for tomorrow. At the moment, from both Pradeep and myself, that's all we've got for you tonight's show. I believe all the national channels are still on Swati Maliwal, as if there is no other news. अब प्रदीप जी, एक खबर थी छोटी सी, मतलब मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था, आई एम सो सॉरी आई कुडंट टेल यू दैट बिफोर द शो स्टार्टेड। वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट है ना जहाँ से वो हमारी नवनीत राणा जी जो एमपी हैं, एग्जैक्टली सर, वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है खादीमाल या खड़ीमाल बोलते हैं, खड़ीमाल गाँव में, वहाँ के लोगों ने फैसला कर लिया कि वो वोट नहीं देंगे इस बार वो वोट नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि वो वोट इसलिए नहीं करेंगे, 1947 के बाद आज तक प्रदीप जी ना वहाँ पर फ्रेश वाटर आता है यानी पीने का पानी है और ना बिजली है। आज तक वहाँ पर महाराष्ट्र का गांव है, ना बिजली है ना पानी है। और उनका कि जो भी आता है यहाँ पे बड़े बड़े वादे करके जाता है और 5 साल के बाद फिर आ जाता है वोट मांगने के लिए। इट इज़ पार्ट ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट। यस यस, दे हैव डिसाइडेड टू बॉयकॉट द इलेक्शंस। उनका भाई एक भी आदमी यहाँ पे वोट करने को नहीं जाएगा, ये खबर है। इट्स बैड एंड years and decades after independence still have almost eight decades Pradeep ji, 70 साल तो हो ही गए after 77 years you're talking about, but anyway it's bad, it's absolutely bad, nobody can justify that no electricity and water, perhaps prime minister telling that har ghar nal se jal, perhaps somebody should ask the honorable sitting member of parliament who's standing again now this time as a BJP candidate, earlier she was an independent,
as to what she did with her development fund. And why is it that one particular village has not got electricity or drinking water as yet? Now, I find that very strange that nobody's actually asked that question. Well, that's just about it for tonight's show from both Pradeep ji and myself. Aap sab logon ko Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji. Filhal, channel ko share karein, like karein, subscribe karein, ghanti baj gayi hai. और घंटी का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव.